ये कहानी है 1938 कैरली नाम के एक आदमी की, हंगेरियन आर्मी, और वो उस कंट्री का बेस्ट पिस्टल शूटर था। जितनी भी नेशनल चैंपियनशिप्स हुई थी उस कंट्री में, उसको वो जीत चुका था, और सबको ऑलमोस्ट कंफर्म था कि 1940s में जो ओलंपिक्स होने वाले हैं उसमें गोल्ड मेडल कैरली को ही मिलेगा। और उसने सालों से ट्रेनिंग करी थी, उसका एक ही सपना था, एक ही फोकस था कि मुझे अपने इस हाथ को दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है, बेस्ट बनाना है, बेस्ट बनाना है। और वो कामयाब हो गया, उसने बना लिया बेस्ट शूटिंग हैंड। सिर्फ 2 साल का फर्क था। 1938 में एक आर्मी का ट्रेनिंग कैंप चल रहा था, क्योंकि वो आर्मी में था तो एक एक्सीडेंट हो गया उसके उसी हाथ में जिससे उसने गोल्ड मेडल जीतना था, उसमें एक हैंड ग्रेनेड फट गया और वो हाथ चला गया। जो उसका सपना था, जो फोकस था, सब खत्म। उसके पास 2 रास्ते थे, एक तो ये कि वो बाकी की पूरी जिंदगी रोता रहे और कहीं जा करके छुप जाए, या अपना जो गोल था जिस पे उसने फोकस किया हुआ था उसको पकड़ करके रखे। तो उसने फोकस किया उस पे नहीं जो चला गया था, जो उसके पास नहीं था, उसने फोकस किया उस पे जो उसके पास था। जो उसके पास था, और क्या था उसके पास में? एक लेफ्ट हैंड, एक ऐसा हाथ जिससे वो लिख तक नहीं सकता था। 1 महीने तक उसका हॉस्पिटल में इलाज चला, साथ के लिए, और सही 1 महीने बाद अपनी ट्रेनिंग शुरू करती है साथ के। ट्रेनिंग के 1 साल बाद, मतलब कि 1939 में वो वापस आया। नेशनल चैंपियनशिप हो रही थी वहीं पे हंगरी में, और बाकी भी बहुत सारे पिस्टल शूटर्स थे वहां पर। उन्होंने जा करके उसको कंग्रेचुलेट किया, कहा कि यार देखो, ये होता है जज्बा, ये होती है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, कि इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम यहां पर आए हो हमको देखने के लिए और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। किसी को नहीं पता था कि वो 1 साल से अपनी ट्रेनिंग कर रहा था लेफ्ट हैंड की, और उसने जवाब दिया, मैं यहां पर तुम्हारा हौसला बढ़ाने नहीं आया, तुम्हारे साथ कॉम्पीट करने आया हूं, तुमसे लड़ने आया हूं, तैयार हो जाओ। और कॉम्पिटिशन हुआ, बाकी सब वहां पर जितने भी लोग थे वो कॉम्पीट कर रहे थे अपने बेस्ट हैंड से, ये कॉम्पीट कर रहा था अपने ओनली हैंड से, ओनली हैंड से। कौन जीता? The man with the only hand, Kerali, जीत गया। लेकिन वो यहां नहीं रुका, उसका गोल क्लियर था कि मुझे इस हाथ को इस कंट्री का नहीं, इस पूरी दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है। उसने अपना सारा फोकस उठा करके डाला 1940 पे, जब ओलंपिक्स होने वाले थे। लेकिन 1940s के ओलंपिक्स कैंसिल हो गए वर्ल्ड वॉर की वजह से। उसने अपना सारा फोकस उठा करके कहां डाल दिया? 1944 में जो ओलंपिक्स होने वाले थे उसके ऊपर। 1944 में जो ओलंपिक्स होने वाले थे वो भी कैंसिल हो गए वर्ल्ड वॉर की वजह से, फिर से कैंसिल। उसने अपना सारा फोकस उठा करके डाल दिया 1948 के ओलंपिक्स। 1938 में उसकी एज थी 28 साल,
1948 में उसकी एज हो चुकी थी 38 ईयर्स, और जो यंगर जो प्लेयर्स आते हैं निकल करके उनसे कॉम्पीट करना मुश्किल होता चला जाता है, लेकिन मुश्किल नाम का ये वर्ड था ही नहीं उसकी डिक्शनरी में। वो गया, पूरे वर्ल्ड के बेस्ट शूटर्स आए हुए थे जो अपने बेस्ट हैंड से कॉम्पीट कर रहे थे, और ये अपने ओनली हैंड से कॉम्पीट कर रहा था, और कौन जीता? द मैन विद द ओनली हैंड। लेकिन वो तब भी नहीं रुका। 1952 ओलंपिक्स दोबारा कॉम्पीट किया उसने, और इस बार गोल्ड मेडल कौन जीता? गैरली। 4 साल बाद दोबारा से, और पूरी की पूरी हिस्ट्री को बदल करके रख दिया ओलंपिक्स। इस पर्टिकुलर कॉम्पिटिशन में उससे पहले किसी भी एथलीट ने लगातार 2 गोल्ड मेडल्स नहीं जीते। अब किसी भी लूजर के पास चले जाओ, उसके पास लिस्ट होगी बहानों की कि मैं इस वजह से फेल हुआ अपनी लाइफ में, इस वजह से मैं कुछ नहीं कर पाया, बहुत लंबी लिस्ट है। दूसरी तरफ विनर के पास चले जाओ, उसके पास में 1000 वजह होगी वो ना करने की जो वो करना चाहता है, सिर्फ 1 वजह होगी वो करने की जो वो करना चाहता है, और वो कर जाएगा। Thank you.